हूँ रेशु और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुकिंग विद रेशु में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि इसे ढेर सारे फ्रूट्स और दूध डालकर बनाया जाता है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। आप बच्चों के लिए जरूर बनाकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए लेना है दूध, ये मैंने आधा लीटर दूध लिया है, और लेना है कस्टर्ड पाउडर, ये मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। और ये हम यूज़ करेंगे दो चम्मच, आधा लीटर दूध में दो छोटे चम्मच कस्टर्ड पाउडर का यूज़ करेंगे। और फ्रूट्स में लेना है, ये मैंने लिए हैं हरे वाले अंगूर, काले अंगूर, पपीता जिसको मैंने इस तरह पीसेज में कट कर लिया है, अनार के दाने, कटा हुआ सेब, 4 से 5 चम्मच शुगर, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शुगर के अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। सबसे पहले एक पैन में जो दूध लिया हुआ है उसको डालकर गर्म करने के लिए रख देंगे, और इसमें से मैंने आधा कप दूध निकाल लिया है जिसमें कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करेंगे। कस्टर्ड पाउडर को हमेशा ठंडे दूध में ही मिक्स करें, गर्म दूध में कस्टर्ड पाउडर को कभी मिक्स ना करें। गर्म दूध में कस्टर्ड पाउडर इजीली मिक्स नहीं होता है और उसमें लम्ब्स बन जाते हैं, इसीलिए हमेशा ठंडे दूध में ही कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करेंगे। इसके लिए एक बाउल में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने आधा लीटर दूध के लिए कितना कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है। अब इसमें जो आधा कप ठंडा दूध बचाकर रखा हुआ है उसको डालेंगे और एक स्पून की हेल्प से दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड पाउडर कितनी आसानी से दूध में मिक्स हो गया है। दूध भी अभी बॉयल हो गया है तो अभी गैस को लो कर देंगे और दूध को मिक्स कर देंगे स्पून से, और इसमें लगभग 4 से 5 चम्मच शुगर ऐड करेंगे। शुगर का अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे शुगर को अच्छे से। शुगर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जो कस्टर्ड पाउडर और दूध को मिक्स करके रखा हुआ है उसको डालेंगे, और इस तरह डालेंगे, साथ के साथ मिक्स भी करते जाएंगे दूध को। अब कस्टर्ड को इसी तरह मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर लगभग 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। लगभग 2 मिनट तक कस्टर्ड को लो फ्लेम पर पकाने के बाद कस्टर्ड देख सकते हैं आप कितना थिक होने लगा है। तो अभी गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे लगभग 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। कस्टर्ड के ठंडा होने के बाद मैंने इसे बाउल में पलट लिया है। अभी इसमें जो कटे हुए फ्रूट्स हैं उनको डालेंगे, कटा हुआ सेब, अंगूर, पपीता, काले अंगूर, अगर अंगूर का साइज बड़ा हो तो आप इन्हें 2 पीसेस में कट कर सकते हैं, अनार के दाने। कस्टर्ड को बनाने के लिए आप अपनी पसंद के फ्रूट्स ले सकते हैं, अगर आपको इनमें से कोई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप ना डालें और अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे लगभग 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, फिर उसके बाद कस्टर्ड को सर्व करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की कोई भी आइसक्रीम डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये थी आसान सी रेसिपी फ्रूट कस्टर्ड बनाने की। तो आप भी बनाकर देखिए ये फ्रूट कस्टर्ड और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।